नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुवैत के एक शहर फाहिल में है, तो चलिए आज मैं आपको फाहिल सिटी दिखाता है कैसा है और यहाँ क्या क्या मिलता है, कौन से शॉप है। तो ये है फाहिल सिटी कुवैत का, यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉपें हैं और मॉल है। ये यहाँ पे इंडियन पब्लिक ज़्यादा है हमारी, और लगभग आपको इंडियन पब्लिक ही मिल जाएगी यहाँ पे, सब लोग खरीदी करने आते हैं। ऐसा नहीं कुवैती नहीं आते, कुवैती भी आते हैं खरीदी करने के लिए। और ये देखिए इंडियन स्टाइल में ये भाई बेच रहा है सब सामान, जैसे हमारे इंडिया में लगा रहता है ना, वो बैठा है और ये बेच रहा है। वो दोस्तों बाहर ड्यूटी करता है और फ्राइडे को यहाँ सामान बेचता है। और ये देखिए कपड़े की दुकान है, ये सोने की दुकान है, जिसको गोल्ड लेना है उसका उसके लिए भी यहाँ पे दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉप है यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ आपको, क्लिनिक है, शॉपिंग मॉल, गोल्ड की दुकानें, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग ऐसे जैसे देखो, आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में बेचता है सामान वैसे ही बेच रहा है ये सब लोग। ये फाहिल में आपको जैसे हम लोग इंडिया में है वैसा ही आपको लगेगा कि हम लोग इंडिया में आ गया है, क्योंकि यहाँ सब आपको पब्लिक इंडियन ही मिलेगी। और यहाँ पे जो बड़े बड़े शॉप है उसमें भी इंडियन ही है, आप देख सकते हैं ये फाहिल सिटी। फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर अभी हाई हो चुका है, आई थिंक 43-45 पे जा रहा है टेम्परेचर। दोस्तों अभी ये लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे खुला था, मगर क्या है कि अभी कुवैत गवर्नमेंट ने फिर से बोला है कि अभी फिर बंद करने जा रहा है ये लोग, तो हो सकता है कि संडे के बाद ये बंद हो जाए। मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि यहाँ पे हम लोग जिसने वैक्सीन मारा है वही लोग बड़े शॉपिंग मॉल, सलून, रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। अभी दोस्तों ये देखिए, अभी सामने में जो दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जाएगा, वो भी एक अच्छा बाज़ार है। जैसे इंडिया में बाहर रख के बेचता है ना, वैसे ही वहाँ पे सब सामान बेचता है और वैसे ही सब खरीदता है। तो ये यहाँ पे मैं आपको लेके जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपको इंडियन मार्केट की तरह ही लगेगा, देखिए कैसे आपको लगेगा कि हम लोग इंडिया में ये सामान ले रहा है। अभी देखिए मोबाइल की दुकान है और पूरे कपड़े, टोपी, ये जूते, चप्पल पूरे सब बाहर रख के ऐसे लोग बेचते हैं। देखिए ये चप्पल ऐसे ही बाहर पड़े हैं, जूते बाहर पड़े हैं, उस तरह पूरा चीज़, टी शर्ट वी शर्ट ये सब पूरे, ट्रैक पैंट है, चश्मा है, गॉगल्स है, ये पूरे सब लोग यहाँ पे बाहर रख के ऐसे बेचते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रेट ही है, आप मान लो हाफ केडी का है तो आप 400 फिक्स में भी मांग सकता है यहाँ पे, और वो बेचेगा भी और आप ख़रीदेंगे भी। ये देखिए पूरा गॉगल्स है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ऐसे बाहर रख के लोग बेचता है। वैसे तो दुकान है मगर थोड़ा बाहर भी रखता है, जैसे हम लोग हमारे इंडिया में रख के बेचते हैं ना, उसी तरह बेचते हैं। और ये सब सब दुकान वाले जो शॉपिंग मॉल वाले हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, वो सब लोग इंडियन ही होते हैं, चाहे केरला है, राजस्थान है, यूपी है, वहाँ के लोग ही होते हैं बेचने वाले, नेपाली लोग हैं, ये सब लोग बेचने वाले होते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूरा बाहर रख के ये लोग सामान ऐसे बेचता है। और ये यहाँ पे घड़ी बड़ी का भी दुकानें है, छोटी छोटी शॉपें है, ये पूरा घड़ी का दुकान है तो पूरा घड़ी मिलेगी आपको वहाँ पे, अच्छी अच्छी ब्रांड की घड़ी होती है। ये देखिए ये पूरा घड़ी का दुकान है, यहाँ पे जो कंपनी की घड़ी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे फाइल में गोल्ड, घड़ी, कपड़े, ये पूरे इसकी दुकानें हैं, छोटे छोटे शॉप है इसके। ये देखिए ये पूरा घड़ी का दुकान है, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी कंपनी की घड़ी मिल जाएगी। ये पूरा घड़ी का शॉप है। तो लगभग फाइल में आपको हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे,
और लगभग इंडियन जैसा ही सामान इधर मिलता है। जो सामान आता है बांग्लादेश, इंडिया और तुर्की से जो सामान आता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सस्ता भी रहता है। ये पूरा मार्केट है इसका, देख लीजिए, सामने भी छोटी छोटी दुकानें हैं कपड़े की, घड़ी की, सोने की। और यहाँ पे धूप बहुत आज बढ़ गया है, हाई टेम्परेचर है, पब्लिक कम दिख रही है। वैसे भी संडे से पब्लिक यहाँ पे कम दिखेगी। कुवैत गवर्नमेंट ने बोला है अगर जिसने वैक्सीन लिया है वो ही छोटी दुकान, बड़े मॉल, सलून, रेस्टोरेंट में अलाउड है। जिसने वैक्सीन नहीं लिया है वो संडे के बाद ये दुकानों में नहीं आ पाएगा, ये बंद हो जाएगा। और ये देखिए, ये जहाँ पे हम लोग पैसे भेजते हैं, अभी इंडिया का 245 रुपया चल रहा है, तो यहाँ से सब लोग पैसे भेजते हैं इंडिया। और ये अलमुल्ला एक्सचेंज है, लोग यहाँ से भी पैसे भेजते हैं। और सामने में कल्याण ज्वेलर्स है, जो सोने का दुकान है, जो इंडिया में भी फेमस है। वहाँ से सोना बोना लेना है तो मिलता है, सोने की दुकानें भी बहुत है इधर में। इंडिया से थोड़ा कम, तो यहाँ पे सोने की दुकान बड़ी बड़ी भी है और छोटी छोटी भी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये जो एटीएम, जो हम लोग यहाँ से पैसे निकालते हैं, और यहाँ से हम लोग सब पैसे निकालते हैं एटीएम में से। पैसे तो नहीं, यहाँ पे केडी चल रहा है, कुवैती दिनार, जिसका 1 KD का 245 रुपीज़ फॉर इंडियन करेंसी है। और ये मालाबार गोल्ड है, जो सब जगह में फेमस है, मालाबार गोल्ड। और यहाँ पे आपको गोल्ड लेना है, सोना लेना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मालाबार गोल्ड, देखिए आप। तो ये सोने की पूरी दुकान है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा सोना है यहाँ पे। अगर सोने की आइटम लेनी है तो आप यहाँ पे, यहाँ से आके आप ले सकता है, ये पूरा सोना है। इंडिया से थोड़ा सस्ता मिलता है सोना यहाँ पे कुवैत में, तो यहाँ पे सोने की दुकान भी है। और ये देखिए पूरा बाज़ार। फिलहाल आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो यार पब्लिक अभी कम दिख रहा है, धीरे धीरे पब्लिक आएगी, थोड़ा धूप कम हो जाएगा तो आएगी पब्लिक। वैसे भी दुकानें संडे के बाद लगभग बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वैक्सीन मारा है उसको ही आने देगा। अभी देखिए ये कपड़े की दुकानें, ये कोरोना के बाद थोड़ा ख़रीदारी भी कम हो गया है, पब्लिक कम आती है दुकानों में, शॉप में, आप देख सकते हैं, तो पूरा कपड़े का दुकानें है। ये देखिए तो पूरा मार्केट, ये हमारे इंडियन स्टाइल में इधर कपड़े बिक रहे हैं, बाहर लगाया है कपड़े सब, देखिए एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग इंडिया में घूम रहे हैं, इंडिया जैसा ही दिखता है ये फाइल। यहाँ पे लगभग पब्लिक इंडियन ही मिलेगी आपको, लगभग पब्लिक इंडियन। वैसे कुवैती भी आते हैं यहाँ पे ख़रीदी करने के लिए, मगर ज़्यादा हमारे इंडियन मिलेंगे, दुकान वाले इंडियन, ख़रीदने वाले इंडियन। ये देखिए ये सब छोटी छोटी दुकान है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको। ये कुवैत का फाहल सिटी है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे धूप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, पब्लिक शाम को ही निकलेगी बाहर घूमने के लिए। फिलहाल थोड़ी बहुत घूम रही है बाहर, जिसको ज़रूरत है ख़रीदी करने का वो लोग आते हैं धूप में भी, ऐसा नहीं है, ज़रूरत है ना सामान का तो वो लोग धूप में भी बाहर निकलते हैं, बाकी लगभग 4-5 बजे के बाद ठंडा में निकलता है घूमने के लिए। लगभग दुकानें आपको इधर में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं।
लिए पब्लिक बढ़ रही है यहाँ पे। और ये ग्रैंड मार्केट है, ग्रैंड हाइपर मार्केट, वो भी मैं आपको कभी अगले वीडियो में दिखाएगा। उसके अंदर भी एक बड़ा मॉल है, ग्रैंड हाइपर मार्केट, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ और सब कुछ, कपड़ा वपड़ा सब कुछ मिलता है। वो भी मैं कभी आगे के वीडियो में आपको दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरा पब्लिक इधर आ चुका है, धीरे धीरे पब्लिक आ रहा है। ये ग्रैंड हाइपर मार्केट है, कभी आपको अगले वीडियो में मैं दिखाएगा इसको, ग्रैंड हाइपर मार्केट में, वो भी एक अच्छा मार्केट है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।